गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो प्यारे साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स मतलब उसमें आनुवंशिकी, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, बेसिक से शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें और अपन, ठीक है ना। आनुवंशिक शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? आनुवंशिक एक रहता है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एक रहता है आनुवंशिकी। तीन शब्द रहते हैं आनुवंशिकी, और इन तीनों में फ़र्क भी रहता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसलिए, कि आनुवंशिक, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी के अगर पर बात करें तो आनुवंशिक होते हैं वो गुण या लक्षण, वो गुण या वो क्या लक्षण जिनसे अपन को ये पता चलता है कि माता पिता से संतति में कौन से गुण या कौन से लक्षण वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, केवल उन गुणों या लक्षणों को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। फिर रहता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या चीज़ होती है? वो नियम, ठीक है ना, वो नियम या वो सिद्धांत, यस यूँ कह सकते, वो नियम या वो सिद्धांत जो ये बताते हो अपन के माता पिता से संतति में गुणों और लक्षणों का संचरण होता है वो कैसे होता है। यानी मेडल का आपने नियम पढ़े होंगे, मेडल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, मेडल के तीनों नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो नियम क्या है? आनुवंशिकता के नियम। या आनुवंशिकता है क्या? हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी, इसको इंग्लिश में हेरिडिटी। आनुवंशिकता है क्या? आनुवंशिकता वही चीज़ है कि माता पिता से संतति में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, माता पिता से संतति के अंदर क्या स्थानांतरित हो रहा है उसको तो क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। और जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक। और इन दोनों के अध्ययन की शाखा को विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिक व आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है बेटा? आनुवंशिकी। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। यूँ डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि इनके अध्ययन के लिए जो किया जाता है वो क्या है? आनुवंशिकी, अध्ययन की शाखा, अध्ययन की शाखा है, इन दोनों के अध्ययन की शाखा है, अध्ययन की शाखा। या यूँ कहना चाहो तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि आनुवंशिक, आनुवंशिक तथा आनुवंशिकता का अध्ययन कराने, आनुवंशिक तथा आनुवंशिकता का अध्ययन कराने वाली शाखा को क्या बोल सकते हैं? आनुवंशिकी। या यूँ कह सकते हैं मेंडल के नियमों, ठीक है ना, माता पिता से संतति में, लिख देता हूँ मैं, माता पिता से संतति में, ठीक है ना, संतति में आनुवंशिक गुणों के, ठीक है ना, आनुवंशिक गुणों के संचरण के अध्ययन को, ही तो क्या बोलते हैं? स्टडी को ही तो क्या बोलेंगे बेटा? आनुवंशिकी कहेंगे। अभी शब्द ये आता है कि आनुवंशिक शब्द है वो किसने दिया? आनुवंशिक या क्या बोलेंगे इसको? जेनेटिक्स, ठीक है ना, जेनेटिक्स, आनुवंशिक या जेनेटिक्स, आनुवंशिक शब्द है वो किसने दिया था? तो ये शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था डब्ल्यू बेटसन। कौन था बेटा? डब्ल्यू बेटसन था। और डब्ल्यू बेटसन को अपन क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी यूँ कह सकते हैं आधुनिक आनुवंशिकी के पिता, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी के पिता, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहेंगे। किसको बोलेंगे आधुनिक आनुवंशिकी के पिता? डब्ल्यू बेटसन को कहेंगे। और इसी तरीके से अगर आधुनिक आनुवंशिकी पिता है तो फिर आनुवंशिकी के पिता कौन है? तो आनुवंशिकी के पिता अगर देखें, आधुनिक आनुवंशिकी तो ये हो गए, आनुवंशिकी पिता देखें तो कौन है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल है। वो क्या है? आनुवंशिकी के पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल है वो आनुवंशिकी के पिता है, और आधुनिक आनुवंशिकी पिता कौन है? डब्ल्यू बेटसन। और डब्ल्यू बेटसन वो है जिन्होंने जेनेटिक्स या आनुवंशिक शब्द का प्रतिपादन किया, या आनुवंशिक शब्द देने वाले कौन है? डब्ल्यू बेटसन है। ये सिंपल तरीके से है। फिर अपन कुछ देखने वाले हैं इसके नियम या कुछ शब्दावलियाँ, ठीक है ना, इसके नियम देखने पहले सब कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं आनुवंशिकी की, जिसका ये आप लोग अगर मान लो पढ़ते हैं जेनेटिक्स की कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें पहला या दूसरा चैप्टर क्या मिलेगा? आनुवंशिकी की शब्दावली। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन ये तीन शब्द आपकी शब्दावली का ही काम करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं यहाँ से चार नंबर की, क्या होता है? जीन क्या होते हैं? जीन क्या होती है? जीन बोल सकते हैं। पांच नंबर क्या बोल सकते हैं? जीन बोल सकते हैं, कारक बोल सकते हैं, और छह नंबर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एलील बोल सकते हैं, ठीक है ना, एलील बोल सकते हैं। ये वही कही है, चाहे जीन बोलो या कारक बोलो या एलील बोलो, तीनों एक ही चीज़ है। ये तो किसने दी है? कॉरेंस ने। कारक शब्द किसने दिया है? कॉरेंस ने। एलील किसने दिया है? मेंडल ने। और जीन शब्द किसने दिया है? जॉनसन ने। जॉनसन ने दिया है। साथ में वैज्ञानिक और नाम में साथ में बता देता हूँ, जॉनसन के बारे में और जानकारी भी जुटाऊंगा मैं आप लोगों के साथ,
ठीक है ना। जॉनसन ने क्या शब्द दिया है, जीन शब्द। कारक शब्द किसने दिया है, कॉरेंस ने। मेडल ने क्या शब्द दिया है, एलील। एलील किसने दिया, मेडल ने। कारक किसने दिया, कॉरेंस ने। और जीन किसने दिया, जॉनसन ने। तीनों की कहानी एक ही है, तीनों की कहानी सेम ही है। जैसे जैसे वैज्ञानिक आते रहे वैसे वैसे इसका नाम देते रहे। ये क्या होता है, माता पिता से, ठीक है ना, जो माता पिता से संतति में, माता पिता से जो संतति होती है, संतति में जो लक्षणों का जो संचरण होता है, आनुवंशिक लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा स्थानांतरण करने वाले, ठीक है ना, करने वाले कौन होते हैं बेटा। मेडल ने तो कहा था अनुमाता पिता से संतति में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने वाली कौन होती है, एलील होती है। यही बात किसने कही, कारक ने। इनको क्या बोल दिया, कारक, सॉरी, कोरेज ने इसको क्या बोल दिया, कारक बोल दिया। और जॉनसन ने इनको क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। बात एक ही है, ये सब किस रूप में होती है, ये जोड़ी के रूप में होती है, ध्यान में रहे। ये किस रूप में होती है, ये जोड़ी के रूप में होती है। और आधे किससे आते हैं, माता से, और आधे किससे आते हैं, पिता से, ठीक है ना। आधे किससे आते हैं, आधे माता से, या यूं कह सकते हैं आधे नर से, व आधे किससे आते हैं, आधे मादा से, ठीक है ना। मादा से किस में आते हैं, संतति में, ठीक है ना, संतति में। इनका जो आगमन जो होता है, आगमन जो होता है वो किस में होता है, संतति में। यानी आधे नर से आते हैं और आधे मादा से आते हैं, किस में, संतति में। और संतति में क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। संतति में क्या जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहना चाहूँ, आधे नर से मतलब एन तो नर से, और आधे मादा से यानी एन ही किससे आते हैं, मादा से, और पूर्ण हो जाते हैं यानी टू एन। टू एन क्या होता है, द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, टू एन से प्रदर्शित करते हैं। द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टू एन से प्रदर्शित किया जाता है। टू एन का मतलब मानव को अगर अपन मान ले, या गाय को अगर मान ले, तो उसमें क्या होता है, टू एन में पूर्ण गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती है, पूर्ण गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती है। जैसे मानव में 46 है, गाय में, तो गाय के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जॉनसन वो है जिसने जीन के अलावा भी कई और शब्द भी दिए हैं। क्या दिए हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जीनोटाइप, नाम शब्द सुना होगा, जीनोटाइप नाम सुना होगा, फिनोटाइप जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, ठीक है ना, फिनोटाइप है, या जीन थ्योरी है, यानी जीन सिद्धांत जिसको बोल सकते हैं, जीन सिद्धांत जिसको अपन बोल सकते हैं, इन्हीं की बात करने वाले हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन और जीन सिद्धांत, इन शब्दों की बात करने वाले हैं। जीन को अपन क्या बोल सकते हैं, जीन के बारे में और जानकारी जुटाएं तो जीन को क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिकी की इकाई, द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की इकाई, आनुवंशिकी की इकाई। इकाई किसको बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आनुवंशिकी की इकाई किसको बोलते हैं, जीन को कहते हैं। ये स्टार कर लेना, आनुवंशिकी इकाई किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। जीन के अंदर ही होता है क्या, डीएनए। जीन के बारे में अलग अलग कल्पनाएं हैं, बिडल और टेटम की कल्पना है, एक जीन एक एंजाइम थ्योरी भी है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है, बिडल और टेटम ने भी दिया है। यानी एक जीन से क्या बनता है, एक एंजाइम बनता है, या यूं कह सकते हैं कि एक जीन से एक स्पेशल काम होता है, या यूं कह सकते हैं कि एक जीन से एक स्पेशल लक्षण का क्या, विशेष लक्षण का प्रकटन होता है। जैसे मान लो मेरी अंगुलियों की संख्या हो सकती है, अंगुलियों की लंबाई हो सकती है, आंखों का रंग हो सकता है, जैसे मान लो आंखों का रंग हो सकता है, आंखों की मोटाई हो सकती है, या आकार हो सकता है, ठीक है ना। जैसे नाक वगैरह की शेप हो सकती है, ये ईयर लोब, या आप ज़्यादा नहीं समझ, ईयर पाली एक तो होती है, ईयर पिन्ना, ईयर लोब, या अपन बोल सकते हैं ये कर्ण पाली जिसको बोल सकते हैं, ये किसी के तो यहाँ से जॉइंटेड होती है, जुड़ी हुई है, किसी के क्या होती है, अलग होती है। तो ये भी एक क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। तो जो आनुवंशिक लक्षण है, एक लक्षण प्रकट करने के लिए एक जीन जिम्मेदार होती है। और मानव में अगर देखी जाए तो कुल जीनों की संख्या लगभग कितने मिलेगी, 30,000 मिलेगी। तो यहाँ इन शब्दों का जिक्र करने वाले, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं बेटा, जीरो यहाँ पे 7 नंबर पे अपन किसको देखेंगे, जीनोटाइप को। किसको देखेंगे, जीनोटाइप को। जीनोटाइप क्या चीज़ होती है, जीनोटाइप होता है जीनों की स्थिति, ठीक है ना, जीनों की जो स्थिति जो रहती है, जीनों की स्थिति, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये क्या है सब, ये जीनोटाइप है। ये क्या है बेटा, जीनोटाइप है। इनके ये दो क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है कि जीन किस रूप में होती है, जीन जोड़ी के रूप में होती है, जीन किस रूप में होती है, जोड़ी के रूप में, इसीलिए इनको दो दो लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः 2N कंडीशन में जोड़ी के रूप में होती है, अगर वो युग्मक है तो ये सिंगल भी देखने को मिल सकती है,
फिर अपन नेक्स्ट बात करें जीनोटाइप के अलावा फिनोटाइप की अपन बात करें, फिनोटाइप क्या चीज़ होती है, फिनोटाइप क्या चीज़ होती है, फिनोटाइप होती है बाह्य आकार की सजीव की या जीव की क्या हो जाएगी, जीव की क्या हो जाएगी, बाह्य आकार की जीव की, जीव की ठीक है ना, जीव की बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी लिविंग वर्ल्ड की हो सकती है, जीव की बाह्य जो आकार की होती है, बाह्य आकार की, बाह्य आकार की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी चीज़ की अध्ययन जो किया जाता है या तो उसकी एनाटॉमी होगी या उसकी फिजियोलॉजी होगी या उसकी क्या होगी मॉर्फोलॉजी होगी। हिंदी में बोलूँ तो बाह्य आकारिकी को क्या बोलते हैं, बाह्य आकारिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, हिंदी में क्या बोलते हैं बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी का मतलब जैसे मान लो कि मेरे शरीर को देख करके आप लोग जैसे बाहर से सुंदर है, बुरा है, काला है, गोरा है, बनावट कैसी है, शरीर की बाह्य जो संरचना है इसको तो क्या बोलते हैं बाह्य आकारिकी। और जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी, एनाटॉमी को क्या बोलते हैं शारीरिकी बोलते हैं, शरीर के अंदर की संरचना, जैसे मान लो मेरा हार्ट की शेप का है, मेरी आंते की शेप की है, मेरा लीवर की शेप का है, मेरा ब्रेन की शेप का है या किस तरीके का है, यानी उसकी संरचना क्या है, कौन से उत्तकों से बना हुआ है, किस तरीके के उत्तक उसमें उसके अंदर क्या है, ये सब किस में मिला मिल जाता है, इसकी इसका अध्ययन करने को क्या बोल सकते हैं अपन एनाटॉमी बोल सकते हैं, एनाटॉमी बोल सकते हैं। और तीसरा अपने पास में कौन सा होता है फिजियोलॉजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में कारिकी, कारिकी का मतलब होता है जैसे मान लो कि मेरे मुंह में भोजन गया तो भोजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुजरा, इसको किस में, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है किस में फिजियोलॉजी में किया जाता है, फिजियोलॉजी बोले तो कारिकी में किया जाता है। तो आप सीधा समझ गए फिनोटाइप का मतलब जीव की बाह्य आकार की। जैसे मटर के पौधे को लेकर के अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई लंबा है ठीक है ना, लंबा है या बोना है या पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, पीला है, ये सब किस में आ जाएंगे फिनोटाइप में आ जाएंगे, यानी जीव की बाह्य आकार की में आ जाएंगे। फिर अपन और अध्ययन करना चाहें तो मैंने एक शब्द लिखा है जीन सिद्धांत, ठीक है ना, जीन सिद्धांत को अपन बोल सकते हैं, जीन को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नवा जीन सिद्धांत क्या है, जीन सिद्धांत यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है और भी लिख सकता हूँ, जीन सिद्धांत क्या है, जीन सिद्धांत क्या है, जीन सिद्धांत ये है कि जीन होती है, जीन क्या होती है आनुवंशिकी इकाई, जीन आनुवंशिकी की इकाई है, अनुवंशिकी आनुवंशिकी की इकाई है, इकाई है यानी यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी इकाई कौन है जीन है। फिर ये कहेंगे कि आधे जीन किससे आते हैं, आधे जीन संतति में, पूरा लिख देता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, संतति में जो आधे जीन होते हैं, संतति में आधे जीन तो किससे आते हैं, आधे जीन नर से, आधे जीन किससे आते हैं नर से, व आधे जीन किससे आते हैं, आधे जीन किससे आते हैं मादा से, मादा से आते हैं ठीक है ना। संतति में आधे जीन किससे आते हैं नर से, आधे जीन किससे आते हैं मादा से आते हैं, फिर पूर्ण हो जाते हैं, ये जीन की थ्योरी रहती है। और एक विशेष जीन का एक विशेष कार्य होता है, विशेष जीन का ठीक है ना, विशेष जीन का, जीन का विशेष कार्य होता है, विशेष कार्य होता है, कार्य होता है। और आप लोग बीडल और टेटल की कल्पना भी अगर याद करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत ठीक है ना, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत ठीक है ना, बीडल और टेटम है वो मैं अभी लिख दूंगा। इसमें होता है जीन, एक जीन का एक विशेष कार्य होता है, या इसको समझने के लिए आसान भाषा का यूज कर सकते हैं कि एक जीन होता है, एक जीन एक विशेष लक्षण, एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, एक लक्षण प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, करने के लिए क्या होता है बेटा, जिम्मेदार होता है, यूँ कह सकते हैं जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ सकता है कि एक जीन एक एंजाइम वाला अलग से मैं लिख देता हूँ, तो जीन सिद्धांत हो गया। और दसवां में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत लिख देता हूँ, एक जीन एक एंजाइम, एक एंजाइम, एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत किसने दिया था। तो ये कल्पना है बेटा बीडल और टेटम की, किसकी है, बीडल और टेटम की, टेटम, बीडल और टेटम, ये जो साइंटिस्ट बीडल और टेटम ने, ये किसने दिया है, बीडल और टेटम ने दिया है। क्या कहा इसमें कि एक जीन से, एक जीन से, एक जीन से एक एंजाइम का, एक एंजाइम का निर्माण होता है, एंजाइम का क्या होता है निर्माण होता है, या यूं कह सकते हैं संश्लेषण होता है, एक जीन से एक एंजाइम का निर्माण होता है। आप लोगों को एंजाइम थ्योरी भी आनी चाहिए,
एंजाइम सिद्धांत भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम किसके बने होते हैं, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वो लाइन आप लोगों को याद है ना, सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन होती है वो एंजाइम में नहीं होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैं यहाँ स्टार करके अलग से लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये एंजाइम थ्योरी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंजाइम सिद्धांत क्या है कि सभी जो प्रोटीन है, सभी एंजाइम जो होते हैं एंजाइम, ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं सभी प्रोटीनें एंजाइम में नहीं होती है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा एरिया है, ये किसका है, प्रोटीन का, तो यहाँ का इतना सा जो एरिया है वो किसका है बेटा, एंजाइम का। किसका है, इसका छोटा सा एरिया किसका है, एंजाइम का। यानी प्रोटीन का पार्ट तो है एंजाइम, अब यूं कह सकते हैं कि एंजाइम सबका सब भी पूरा का पूरा प्रोटीन है, वो भी वो क्या है, एंजाइम है। एंजाइम इस विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो किसकी तरह बिहेव करती है, एंजाइम की तरह। तो ये कुछ हिस्सा है, यानी प्रोटीन का पार्ट है एंजाइम, यूं मान सकते हो आप लोग, यानी ये इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो ये रहती है जीनोटाइप फिनोटाइप। बाह्य आकारिकी का मतलब आप समझते लो, मॉर्फोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ शब्दावलियाँ, यहाँ पे आइए, 10 पढ़ लेना, 11वीं क्या होती है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जीव की बाह्य आकार की, ठीक है ना, जीव की बाह्य संरचना बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, संरचना बोल सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं बाह्य आकार की बोल सकते हैं, बाह्य आकारिकी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगला जो अपन जाएगा वो क्या जाएगा, एनाटॉमी, ठीक है ना, एनाटॉमी को अपन क्या बोलते हैं शारीरिकी बोलते हैं शारीरिक का मतलब होता है जीव की संरचना या जीव की आंतरिक संरचना, जो आंतरिक संरचना होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। जैसे मानव को लेकर के बात की जाए तो बाहर की जो है उसका रंग रूप आ जाएगा, ठीक है, या उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई आ जाएगी, और ये जैसे उसके जो अंग होते हैं, ठीक है, आंतरिक संरचना का मतलब होता है आंतरिक अंगों की संरचना हो जाएगी, और इसमें बाह्य अंगों की संरचना आ जाएगी, ठीक है। इसमें बाह्य अंगों की आ जाएगी, बाह्य संरचना का मतलब होता है बाह्य अंगों की, ठीक है ना, बाह्य जो अंग होते हैं शरीर के, अंगों की जो संरचना होती है, संरचना वो आ जाएगी किसमें, बाह्य संरचना मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी, और आंतरिक किसमें आ जाएगी, एनाटॉमी में। और 13वां अपने पास में लेकर के अपन चलते हैं, वो क्या चलते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है ना, अपन फिजियोलॉजी की अपन बात करें, फिजियोलॉजी जिसको अपन बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हिंदी में कार्यकी, क्या बोलते हैं, कार्यकी, यानी शरीर है वो कैसे काम करता है, यूं कह सकते हैं अंदर की क्रियाएं, ठीक है ना, क्रियाएं या अंदर की क्या हो जाएगी, अंदर की क्रियाएं, या यूं कह सकते हैं आंतरंगों की क्रियाविधि, ठीक है ना, आंतरंगों का मतलब समझ गए, आंतरिक अंग, शरीर के अंदर जिसे मान लो लीवर है, ठीक है ना, आंत है, लीवर यकृत जिसको अपन बोल सकते हैं, आंतरंगों की जो कार्य प्रणाली है, उसके अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। और शरीर की जो फिजियोलॉजी बोलेंगे, की जो संरचना है, या जीव की जो आंतरिक संरचना है, या आंतरिक अंगों की संरचना, इसके अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। और मॉर्फोलॉजी किसको बोलेंगे, जीव की जो बाह्य संरचना है, या आकार की है, या बाह्य अंगों की जो संरचना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, बाह्य आकार की, बाह्य, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। तो तीन ही शब्द अपन को यहाँ से मिल चुके हैं, और भी ऐसे होते हैं, एलील वगैरह की अपन बात कर ली, कारक जीन्स वगैरह की बात कर ली, फिनोटाइप जीनोटाइप। एक क्या होता है, प्रभावी,
एक होता है अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी 14 नंबर में लिख देता हूँ यहाँ पे प्रभावी, ठीक है ना। प्रभावी कौन होता है, और फिर नेक्स्ट है कौन सा है, 15 नंबर में लिख देता हूँ अप्रभावी, अप्रभावी कौन सा होता है, इसको तो क्या बोलेंगे डोमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट, ठीक है ना, डोमिनेंट जिसको अपन बोल सकते हैं डोमिनेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं रिसेसिव बोल सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, डोमिनेंट का मतलब होता है जो लक्षण, ठीक है ना, जो लक्षण F1PD में, जो लक्षण F1PD में, नए चीज़ निकल करके आ रही बेटा, F1PD में अपने लक्षणों का, जो लक्षण F1PD में अपने को प्रदर्शित करते हैं, या यूँ लिख सकते हैं दिखाई देते हैं, उनको अपन क्या बोल देंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। उनको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर यानी प्रभावी लक्षण, क्या बोलेंगे उनको, प्रभावी लक्षण कहेंगे, डोमिनेंट करेक्टर बोलेंगे। और जो अप्रभावी या रिसेसिव होता है, इसको अपन लिख सकते हैं जो F1PD में जो लक्षण, ठीक है ना, जो लक्षण, या यूँ डायरेक्टली इसकी पूरी डेफिनेशन लिखो तो और अच्छी समझ में आएगी, यानी यूँ कह सकते हैं रिसेसिव, यानी रिसेसिव करेक्टर या रिसेसिव जीन, उस पर डिपेंड करेगा रिसेसिव लक्षण, तो वो जाएंगे जो F1 लक्षण F1PD में, सिंपल भाषा में F1PD में नहीं दिखाई देते, F1PD में दिखाई नहीं देते, उनको क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण, क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण कह देंगे। एक होता है प्रभावी जीन, ठीक है ना, मैं क्रम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए, इसको 15 नंबर बताता हूँ, इसको 16, और यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, अप्रभावी जीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रभावी जीन हो जाएगी। प्रभावी जीन क्या होता है, डोमिनेंट जीन क्या होती है, रिसेसिव जीन क्या होती है। एसी जीन, ठीक है ना, एसी जीन जो F1PD में, F1PD में अपने लक्षणों का प्रदर्शन करे, ठीक है ना, अपने लक्षणों का प्रदर्शन करे, एसी को अपन क्या बोलेंगे, लक्षणों का प्रदर्शन करे, एसी जीन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्रभावी जीन बोलेंगे। और मैं समझा दूंगा इनको, अप्रभावी जीन यानी एसी जीन, ठीक है, एसी जीन जो F1PD में उपस्थित तो होती है, F1PD में मौजूद होती है, लेकिन मजबूरी क्या रहती है, लेकिन लगते ही मजबूरी आ जाती है ना, लेकिन, ठीक है ना, लेकिन अपने लक्षण का प्रदर्शन नहीं करती, क्या कहलाती है अप्रभावी जीन कहलाती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, वरना 17 के बाद में खतरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें, जैसे मान लो कि लंबा और बोना, दो तो अपने पास में, ये चारों की बात हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, यानी एक तो हो जाएगा प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण, जैसे मान लो पादप की लंबाई है, ठीक है ना, पादप की लंबाई, ये क्या हो गया, एक लक्षण हो गया। अब ये पादप की लंबाई में दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना, कौन कौन सा हो जाएगा पादप की लंबाई में, एक तो हो जाएगा यहाँ पे लंबा, और एक कौन सा हो जाएगा बोना, एक दो करेक्टर है यहाँ पे, दो लक्षण है लंबा और बोना। प्रभावी कौन होगा, अप्रभावी कौन होगा, वो अपन सिद्ध करेंगे प्रभावी कौन सा होता है। और फिर यहाँ पे जीन भी रहेगी, ठीक है ना, जीन है तो जीन भी दो प्रकार की है, कौन कौन सी है, एक तो कौन सी है कैपिटल टी, और एक कौन सी है स्मॉल टी है, तो कौन सी प्रभावी रहेगी, कौन सी अप्रभावी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया, पेरेंट्स बनाए, यानी पी से क्या होता है, पेरेंट्स होता है, जनक होते हैं, इनको जनक लिख सकता हूँ, जनक लिए, ठीक है ना, ये वाले। अपन आगे F1 F2 की भी बात करेंगे, F1 F2 क्या होता है, यहाँ आपको समझ में भी आ जाएगा। ये अपन ने लिया है, ये क्या है लंबा, ये शुद्ध लंबा जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, शुद्ध लंबा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा अपन ने बोल दिया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शुद्ध बोना, क्या हो जाएगा बेटा, शुद्ध बोना हो जाएगा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हो गया बेटा, अर्धसूत्री विभाजन जिसको अपन बोल सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया।
अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है आप लोगों को पता होगा, प्रकृति में अर्धसूत्री विभाजन बना ही युग्मक निर्माण करने के लिए। अर्धसूत्री विभाजन आप लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन का, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें मिलता है आपको असूत्री प्रकार का विभाजन मिल सकता है, और जो विकसित कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, विकसित सभी कोशिकाएं केवल जर्म कोशिका जनन कोशिकाओं को छोड़कर, विकसित सभी कोशिकाएं उनमें सब में क्या होता है, समसूत्री होता है। जो जनक जनन कोशिकाएं जिनको जर्म सेल अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिनसे युग्मक बनते हैं, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, उन कोशिकाओं में ही होता है ओनली 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 केवल और केवल और केवल क्या, अर्धसूत्री विभाजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन बनना ही लैंगिक जनन के लिए है, आप लोग दिमाग के डाल दे, अर्धसूत्री विभाजन बनना ही किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए। और अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी लैंगिक जनन क्या होता है, संभव हो पाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी क्या होते हैं, युग्मक निर्मित होते हैं, युग्मक निर्माण करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आपको कोई भी पूछे भाई घोड़े की पूंछ में और बिल्ली की पूंछ में कौन सा विभाजन होगा, तो डायरेक्ट सीधा सा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, समसूत्री विभाजन। आपसे कोई भी पूछ ले, मान लो खीरे ककड़ी में पूछ ले, किरा कपड़ी में पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले, मान लो आम में पूछ ले, कहीं पे पूछ ले, उसकी जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में, तने में पूछ ले, जड़ में पूछ ले, पत्ती में पूछ ले, शाखा में पूछ ले, ठीक है ना, कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल जनन करने के लिए या जनन कोशिकाएँ होती है उनमें ही होता है अर्धसूत्री विभाजन, बाकी सब जगह विकसित प्राणियों में या पादपों में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो ये युग्मक तैयार हो गए भाई लोगों, ये क्या तैयार हो गए हैं, युग्मक तैयार हो गए, ये युग्मक तैयार हो गए। अब इन युग्मकों के बीच में क्या होता है, क्रोश होता है। तो ये मान लो ये क्रोश हो गया, सॉरी यहाँ पे अपन को स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखना था, यहाँ पे ये हो गया क्रॉस करवा दिया, तो यहाँ क्रॉस करवाते क्या आ जाएगा, के कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ में क्रॉस हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इसके साथ में क्रॉस हुआ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इसके साथ में होता क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। ये जो मैंने संरचना बनाई है ये वाली आप लोगों को यह मैंने समझा दी, ये क्या है, जीनोटाइप है, जीनो की स्थिति है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, जीनोटाइप। तो ये तो इनको क्या है, जीनोटाइप है। इसके अगर फिनोटाइप, ये तो अपने बनाई है क्या है, जीनोटाइप है। अब जीनोटाइप अनुपात क्या होगा सर, कोई अनुपात नहीं होगा, अनुपात भी हमेशा तुलना करने के लिए होता है, यानी कौन ज़्यादा है कौन कम है उसकी तुलना करने के लिए होता है, कंपेरिजन करने के होता है। यहाँ सबके सब 100% क्या है, लंबे ही हैं, इसको लिखा जाता है लंबा, क्या लिखा है इसको, लंबा, यानी ये दिखाई देने में कैसे हो गए, लंबे। तो यहाँ पे प्रभावी हो गया लंबा, प्रभावी कौन सा हो गया भाई, लंबा हो गया, ठीक है ना, ये प्रभावी हो गया, तो बोना फिर क्या हो जाएगा, अप्रभावी, बोना क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। यही है एफ1 पीडी, कोई अलग से नहीं है, यही है एफ1 फर्स्ट फिलियल, यही है एफ1 पीडी, यही है एफ का मतलब होता है फिलियल, ठीक है ना, एफ1 पीडी। और यहाँ पे कैपिटल टी यही किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी को प्रदर्शित कर रहा है, और स्मॉल टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, अप्रभावी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चीज़ भी क्लियर होगी आप लोगों को। फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये वाला जो है, आप लोग अगर समझना चाहो तो इसको, कि यहाँ पे एफ एन पी डी में दोनों जीन है। देखो लंबेपन की भी जीन है, लंबेपन की कौन सी है, लंबेपन के लिए, ये जो लंबेपन की कैपिटल टी किसके है, लंबे के लिए, और ये स्मॉल टी किसके हैं, बोने के लिए। जीने दोनों है, यानी कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, यानी कैपिटल टी तो किसके लिए जिम्मेदार है, लंबाई के लिए, लंबेपन के लिए, स्मॉल टी किसके लिए, बोनेपन के लिए। यानी प्रभावी वाली परिभाषा अगर आप लोगों को समझ में आए, प्रभावी लक्षण तो समझ में आ गया, प्रभावी लक्षण जो एफ एन पी डी में प्रदर्शित होता है क्या, या दिखाई देता है क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, लंबा, क्योंकि एफ एन पी डी में दिखाई देता है। और अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, बोना, जो एफ एन पी डी में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी जीन, तो यहाँ कैपिटल टी उपस्थित है और अपने लक्षण को भी प्रदर्शित करे, कैपिटल टी किसके लिए होती है, लंबेपन के लिए, और ये लक्षण भी आ रहा है लंबा, तो इसको तो क्या बोलेंगे, प्रभावी जीन। अब ये जो स्मॉल टी है बेचारी मौजूद तो है लेकिन अपने इसका लक्षण नहीं है, यानी ये स्मॉल टी है, ये बोनेपन के लिए लेकिन बोनेपन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे को क्या बोल देंगे, अप्रभावी, क्या बोलेंगे इसको, अप्रभावी जीन बोलेंगे। तो ये चीज़ जीन वाली आपको समझ में आ जाती है। तो इसके बाद में जो चलती है कुछ डेफिनेशन और चलती है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी चलती है, अपन अगले वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को और पढ़ाएंगे। एफ वन क्या चीज़ होती है, आप लोग जो क्रॉस करते हैं एफ वन की डेफिनेशन, एफ टू की डेफिनेशन, एफ थ्री भी जानना चाहो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कि आपको और कोई भी टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं आ रही है आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका सेंस अगले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।